टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आजकल हम साउथ अफ्रीका में हैं, तो बढ़िया बढ़िया साउथ अफ्रीका खाना खा रहे हैं, तो आज देखते हैं कुछ बहुत ही बढ़िया साउथ अफ्रीकन खाना, और उसको बनाने के लिए मेरे साथ हैं आज शेफ नॉटी। सो शेफ, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट विद? इट्स मरोहो। मरोहो, यस। तो आज की शुरुआत हम करते हैं मरोहो से। पालक से बनी हुई डिश है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं बिल्कुल सिंपल हैं। लगता तो ऐसे है कि जैसे कोई हिंदुस्तानी डिश बन रही हो, कोई इंडियन डिश बन रही हो, लेकिन देखते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स से किस तरह से मोरोहो बनाया जाता है। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू पुट लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड पुट सम स्पिनच, ओके, सम अनियन, ओके, टोमेटो, चिली, पेपरिका, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड देयर आफ्टर व्हेन इट्स कुक्ड आई पुट लिटिल बिट ऑफ बटर, ओके, देन आई क्लोज इट। तो देखते हैं किस तरह से सारी चीजें इसको हम पकाएंगे। सो शुड वी स्टार्ट? यस। ये जो डिश है, इसके लिए सबसे पहले पानी लिया है पैन के अंदर, और उसके बाद पालक डाला है। वैसे तो जब हम खाना बनाते हैं तो पहले मक्खन, तेल, घी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी से शुरुआत की है और इसे हम कोयले के ऊपर पका रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल पैन के अंदर। इसी तरह से पुराने जमाने में और नए जमाने में भी ये डिश मरोहो पकाई जाती थी और पकाई जाती है। यस शेफ, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? अनियन। अनियन, तो यहाँ पर हमने प्याज लिए हुए हैं, स्लाइस किया हुआ है, रफली स्लाइस प्याज लिए हुए हैं, इसको डालने वाले हम। यस, सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? टोमेटोज, ओके, दीज आर ब्लांच टोमेटोज और नॉर्मल? नॉर्मल टोमेटो, ओके। अब इसमें टमाटर डालने हैं रफली चॉप किए हुए, ये जो डिश है मरोहो। वैसे यहाँ पे और पत्ते भी मिलते हैं जिससे ये डिश बनाई जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर और ज़्यादातर जगह पर स्पिनच, पालक आसानी से मिल जाती है, इसलिए इसे हम पालक से बना रहे हैं। यस शेफ, नेक्स्ट? सम चिली सॉस। चिली सॉस, ओके, दिस इज होममेड चिली सॉस? यस, ओके, एंड व्हाट ऑल हैव यू पुट इन देयर? वी हैव पुट सम गार्लिक, ओके, ऑनियंस, चिलीज, ओके, ऑयल एंड सम पेपरिका एंड चिकन। ये जो चिली सॉस है यहीं पे बनी हुई है, फ्रेश लाल मिर्चों से बनी हुई है। इसमें लहसुन है, इसमें नमक है, इसके अंदर चिली पाउडर है और प्याज है। इन सब चीजों को साथ में पीस कर पकाया गया है। इसमें काफी अच्छी खुशबू है, दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है, और मुझे लगता है जो लोग खाना स्पाइसी थोड़ा पसंद करते हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी। ओके, सो वी कैन पुट दिस चिली सॉस, ग्रेट, एंड सम पेपरिका, थोड़ा सा पेपरिका, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। जस्ट लिटिल बिट। यू लाइक स्पाइसी फूड? यस, आई लाइक इट। यू लाइक स्पाइसी फूड, सो पुट लिटिल मोर, लिटिल बिट मोर, दैट्स सो मच मोर। देखिए, मैंने थोड़ा सा बोला कि मिर्चें डालें तो काफी ज्यादा मिर्चें डाल दी हैं। वैसे मैंने देखा यहाँ पर काफी लोग मिर्चों वाला खाना खा सकते हैं, तो शायद इसीलिए इंडियन खाने के साथ साथ काफी मिलती जुलती चीजें हैं। यस शेफ, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? सॉल्ट, क्योंकि पालक है और नीचे जबकि इतनी तेज आंच है, पानी काफी होता है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। नमक स्वादानुसार एंड बटर, यानी मक्खन को एकदम बाद में डाल रहे हैं। किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को जब तक मक्खन नहीं लगाया जाए तब तक मजा नहीं आता, और ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में भी जो लोग हैं वो मक्खन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए इस पालक की डिश को भी मक्खन लगाया जा रहा है। यस, ओके, तो आप इसको हम मिला लेते हैं। ये काफी जल्दी पक जाएगी क्योंकि नीचे जो आग है वो काफी तेज है, और आप देख रहे हैं इसमें नीचे कुछ लगेगा नहीं, प्याज है इसमें, स्पिनच लीव्स हैं, ये जलेंगी नहीं, काफी अपना पानी होता है इसके अंदर। टमाटर भी हमने डाले हैं। सो शेफ, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू? आई एम फिनिश्ड पुटिंग एवरीथिंग, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट टू बी कुक्ड। ओके, एवरीथिंग इज डन, वी जस्ट नीड टू पुट अ लिड ऑन, सिर्फ ढक्कन लगाकर इसको हमने पकाना है। पानी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड हाउ लॉन्ग डू वी नीड टू कुक दिस? ओनली 15 मिनट्स, इट विल बी रेडी। ओके, 15 मिनट तक इसको हमने पकाना है और ये डिश तैयार हो जाएगी।
इसमें आपने देखा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है मुश्किल है, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो नहीं मिल सकते हैं, सब इजी चीजें हैं, बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, इसलिए ये जो डिश है ये भी एकदम आसान है। थोड़ा सा अगर ऐसा पैन नहीं मिले तो आप अपनी पसंद का पैन भी ले सकते हैं। आपने देखा हम इसको लोहे के पैन में पका रहे हैं, आप चाहें तो कोई आजकल के जो मॉडर्न पैन हैं उसमें भी इसको पका सकते हैं। सो शेफ, व्हाट डू वी ईट दिस विद? राइस, ब्रेड, व्हाट? If you want to eat with rice, you can eat it. Bread, you can eat it. Okay. Or some millipap. Millipap. Yes. What's that? Anyway, now let's not tell our viewers what's millipap. खैर मुझे मालूम है कि millipap क्या है, मैं आपको बताऊंगा जरूर, और शेफ मेरे साथ बनाएंगी एक बढ़िया सी डिश। ये मिली मिली क्या चीज है, मिली कौन को कहा जाता है, पप? खैर वो मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रीकैप, और मैं जाके तैयारी करता हूं शेफ के साथ, शेफ नॉटी के साथ मिली पप की। इसके लिए हमें चाहिए 2 बंच पालक के कटे हुए, 2 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज, 3 टमाटर कटे हुए, 2 बड़े चम्मच चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर, 2 बड़े चम्मच मक्खन और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप पानी में कटा पालक, स्लाइस की हुई प्याज, कटे टमाटर और चिली सॉस, जो सूखी लाल मिर्चें, लहसुन, प्याज, नमक और लाल मिर्च पाउडर से बनी हो वो डालें, और इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और मक्खन डालकर मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर करीब 15 मिनट तक पकाकर सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका एक बार फिर साउथ अफ्रीका से स्वागत करता हूं। अब बारी आती है मिली पाप की। मिली कौन, और इसकी जो डिश है बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, बनाने में समय नहीं लगेगा, थोड़ी सी ट्रिक है, तो देखते हैं मिली पाप किस तरह से बनाई जाती है। सो शेफ, देयर आर ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, राइट? यस। ओके, सो वी हैव, व्हाट इज दिस? क्रश्ड कॉर्न। ये जो आप देख रहे हैं ये मकई का आटा है, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ। अब आप पूछेंगे मकई का आटा जो है वो तो हमें पीले रंग का मिलता है, यहाँ पर जो मकई का आटा मिलता है उसमें ऊपर से छिलका निकला हुआ है, इसीलिए ये सफ़ेद दिख रहा है और थोड़ा खुरदुरा है, जैसे सूजी होती है उसी तरह का कुछ टेक्सचर है इसका। यदि आपको इस तरह का नहीं मिले तो आप पीला वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिश के लिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू शेफ? आई एम गोइंग टू पुट द सीजनिंग फर्स्ट। Okay. And thereafter, I put this one and stir it. Okay. So we have some water ready. Yes. Okay. सिर्फ तैयारी करनी है, आपने एक पैन लेना है। आप देख रहे हैं इसको भी हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके में बना रहे हैं, नीचे कोयले की आग है और ऊपर बर्तन है। इसमें जो बर्तन आप लें मोटे तले का बर्तन लें, थोड़ा जरूरी है क्योंकि मोटे तले में वो चिपकता नहीं है, मेहनत वाली डिश है। इंग्रीडियंट्स 2 हैं लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। आप पानी ले लें और पानी को हमने गर्म करना है, और पानी जब उबल जाए तब इसके बाद इसमें डालना है नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे क्रश्ड कॉर्न। यह जरूरी है कि आप इसको गर्म पानी के अंदर डालें और उसके बाद इसको मिक्स करना है हमने। आपको एक विक्स ले लें, मेहनत वाली चीज है, थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कभी लम्स पड़े, इसलिए जरूरी है कि आप पानी जब गर्म हो जाए उसके बाद इसको डालें और इसको मिक्स करते रहें। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, काफ़ी लोग अलग अलग किस्म से खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा गाढ़ा रख के खाते हैं, कुछ पॉरेज लाइक करके इसको खाते हैं, तो इसलिए आपको जैसी पसंद हो वैसी कंसिस्टेंसी आप रखें। जैसे मैंने आपको बताया मेहनत वाली चीज़ है, और नीचे जो आग है काफ़ी तेज़ आग है, जिस तरह से हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर लोग इसको खाते हैं मिली पाप को, और बहुत ही पॉपुलर है। और जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको आप चेंज कर सकते हैं, या आप ड्राई बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको गीला भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब आप देख रहे हैं इसको काफ़ी थिक बनाया जा रहा है, और ये काफ़ी इस समय गाढ़ा है, इसलिए चलाने के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है, एक बार मैं देख लेता हूँ,
काफी सख्त है अभी भी। इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए रख देना है। How long would it take? 10 minutes. 10 minutes. Or 8 minutes, it will be fine. 8 से 10 मिनट तक इसको हमने पकने देना है। And this would not stick on the bottom. It stick at the bottom. It will stick at the bottom. Yes. Okay, but that does not matter. It doesn't matter. चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि लगेगा नीचे, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा जल भी जाएगा तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसे ही बनता है और लोगों को उसी तरह से पसंद आता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पर्शियन राइस भी कई बार हमने देखा है, थोड़ा नीचे जब लगा हुआ होता है तभी ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे घर में कभी खिचड़ी या पुलाव नीचे थोड़ा सा लग जाए, आप देखेंगे क्रिस्पी हो जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर वैसा टेस्ट इसमें है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। खैर, ये ट्रेडिशनल डिश है और इसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ खाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक जो डिश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है अनियन एंड टोमेटो ग्रेवी। वो किस तरह से बनाई जाती है अभी नहीं, आप देखिए, इसको पकने देते हैं। आप नोट करें इनके इंग्रीडियंट्स और इसका रिकैप, और मैं तैयारी करता हूँ अगली रेसिपी की। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पिसे हुए मक्के के दाने और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप एक पैन में पानी को गर्म कर लें, उसके अंदर नमक पिसी मक्का के आटे को डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसे ढक्कन लगाकर करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल साउथ अफ्रीकन डिशेस। अभी तक जो हमने देखी एकदम बढ़िया घर वाली डिशेस थी, अब देखते हैं एक बहुत बढ़िया डिश, और ये जो डिश है प्याज और टमाटर से बनी है, प्याज और टमाटर की ग्रेवी। सो शेफ, वी आर गोइंग टू मेक अनियन एंड टोमेटो ग्रेवी। दैट्स करेक्ट। कंप्लीटली ट्रेडिशनल। कंप्लीटली ट्रेडिशनल। ओके, सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? ऑयल ऑफ बटर, दिस गाइस बटर। ओके, एंड यू लव बटर? यस। Okay. Very much so. Texture, flavor. And South Africans love butter. South Africans enjoy butter. Okay. Might not admit to it, but they enjoy it. Okay. मक्खन यहाँ पर काफी लोग खाते हैं, पसंद भी आता है उन लोगों को, तो मक्खन से शुरुआत करते हैं। और इसे भी हम बना रहे हैं इसी तरह से चारकोल के ऊपर, पैन में पका रहे हैं। Right. Onion first. Okay. Sliced onion हमने डाला है, roughly sliced, थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है। हम लोग जितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर हर खाने में, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, ये एक ऐसी डिश है जो हमेशा मिलती है। ग्रीन पेपर। ओके, अब इसमें शिमला मिर्च डाल रहे हैं, ग्रीन पेपर इसके अंदर हमने डाला है। वैसे सब लोग इसे नहीं डालते हैं, लेकिन शेफ को मजा आता है ये पेपर डालने में। Well, I mean, just let that fry a little bit. Mm-hmm. Then I'm going to start with spices. Okay. Okay, a little bit of salt. Uh-huh. Paprika. Uh-huh. Some minced chili. Okay. Bay leaf. Okay. And then obviously garlic. Garlic. Okay. Right. So what do you need first? All right. So let's start with a little bit of the chili. Crushed chili या chili sauce आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लाल मिर्च अगर fresh मिले तो आप उसको mince करके इसके अंदर डालें, नहीं तो सूखी भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। वैसे आप जितना तीखा बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर कम तीखा बनाएंगे तो ज्यादा लोग खा सकते हैं और ज्यादा खा सकते हैं। little bit of salt, नमक स्वादानुसार, and a little bit of paprika. Paprika, quite a bit. It gives sauce texture as well as flavor. आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में डाला है, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उस केस में आप ध्यान रखें, अगर ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा तीखी होगी ये डिश। And our favorite, garlic. Garlic. अब इसके अंदर लहसुन बारीक कटा हुआ या क्रश किया हुआ। And if you pass me one bay leaf, just one bay leaf. Okay. Flavor के लिए तेज पत्ता, bay leaf. Let me just give it a flip or two. Mm-hmm. Right. What we're going to do is wait 2 minutes, let that become a little bit translucent, uh-huh. and we will add our tomatoes, tomatoes, a little bit of water, and we simmer it.
अब इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला देना है और प्याज थोड़ा सा पक जाना चाहिए और इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। इसमें जो टमाटर हमने डाले हैं वो रफली चॉप करके डाले हैं और शेफ ने मुझे बताया कि यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की ये सॉस पसंद करते हैं। कुछ लोग एकदम चंकी स्टाइल में बनाते हैं जैसे शेफ ने इसे बनाया और नहीं तो कुछ लोग एकदम फाइनली चॉप्ड अनियन के साथ बनाते हैं, सब चीज़ें एकदम बारीक काटते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है इस तरह से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। लिटिल बिट ऑफ वाटर पानी इसके अंदर डालें। Cover that, give it a mix. We've got salt in. And salt for the last. और not too much. थोड़ा नमक. And then just finish off with a bit more paprika for color. थोड़ी सी और पेपरिका रंग के लिए, इसमें तीखापन कम होता है इसलिए अगर आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो लाल मिर्च जिसमें तीखापन कम हो उसका इस्तेमाल करें। Give it a nice mix in there. And then what we do is we just cook it until the tomato starts to disintegrate and go into the sauce and it starts to become more of a sauce. Okay, how long does it need to go? This is going to go for 10 minutes and then it will be ready. 10-15 minutes depending on your heat. Okay, 10 से 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है ढक्कन लगाकर और उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप इसको अपने नॉर्मल मील में इसको सर्व करें। वैसे यहाँ पर जो लोग खाना खाते हैं जिस तरह से हम लोग हिंदुस्तान में खाना खाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी लोग मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं और हाथ से उंगलियों से खाना खाते हैं। तो देखा आपने कि कितना ये खाना जो है हमारे खाने से मिलता जुलता है। इसी तरह के खाने हम हमेशा बताते रहेंगे। खैर अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 स्लाइस की हुई प्याज, 8 कटे टमाटर, 50 ग्राम मक्खन, 2 स्लाइस की हुई शिमला मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच पिसी लाल मिर्च की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, 2 तेज पत्ते और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप एक पैन में मक्खन लेकर इसमें स्लाइस की हुई प्याज और स्लाइस की हुई शिमला मिर्च डालकर थोड़ा सौते करें। अब इसमें लाल मिर्च की पेस्ट, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटा लहसुन और तेज पत्ता डालकर थोड़ा भून लें। अब इसमें कटे टमाटर डालकर मिलाएं और इसमें पानी, नमक और लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर डालकर मिलाएं और इसे करीब 15 मिनट तक पकाकर सर्व करें।